दोस्तों नमस्कार। अपने आधुनिक राजस्थान के अंदर एकीकरण की बात कर रहे थे। एकीकरण के अंदर अपने तीन चरण पढ़ लिए थे। तीसरा चरण था अपना संयुक्त राजस्थान, जो 48 के अंदर हुआ था, 18 अप्रैल 1948। राजस्थान संघ के अंदर इस संयुक्त राजस्थान के अंदर उदयपुर को मिलाया गया। किसको मिलाया गया? उदयपुर को मिलाया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ये अपन ने बात पढ़ ली थी। आज आता है अपन चरण चौथा। चरण कौन सा? चौथा इम्पोर्टेंट है, लगाना हेडिंग चौथा चरण। चौथा चरण, इस चौथे चरण का नामकरण किया गया अपने वहरते राजस्थान। वहरते राजस्थान क्यों किया गया, इसकी भी एक पीछे बात है। इसीलिए क्योंकि हर चरण का नाम किया गया, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होता है। इस चौथे चरण के अंदर वर्त राजस्थान इसका नामकरण किया गया। और तीन चरण तक 1948 के अंदर हुए, शुरू के जो पहला दूसरा और तीन चरण। इस चरण के अंदर ईयर बदल जाता है और डेट हो जाती है 30 मार्च 1949 हो जाता है। 30 मार्च 1949 डेट हो जाती है, क्योंकि तीन चरण तक 48 थी और इसके बाद चार चरण, चौथे चरण की हो गई 49। आपको बस वीडियो एक बार देखना है, कोई कभी भी एकीकरण रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस एकीकरण के अंदर, चौथे चरण के अंदर कितने रियासतें ली गई? चार रियासतें। इसका नाम क्यों रखा गया वर्त, अभी मैं आपको पूरा याद कराता हूँ। चार रियासतें और एक ठिकाना पीछे बाकी रहा था। इस चरण के बाद मान लिया गया कि राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया, मतलब जो रियासतें थी उनको शामिल करना की बात पूर्ण हो गई है। चार रियासतें थी, बड़ी बड़ी रियासतें थी इसके अंदर। एक तो थी सबसे बड़ी जयपुर, जोधपुर, ये चारों रियासतें बड़ी बड़ी हैं। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, देखो बड़ी बड़ी है ना, बीकानेर और जैसलमेर। जैसलमेर का कौन सा वंश है? भाटी राजवंश। ये चार रियासतें देखो बड़ी बड़ी हैं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। तो क्वेश्चन एक बार आ रखा है, जैसलमेर किस एकीकरण के अंदर, कौन से एकीकरण के अंदर शामिल किया? तो आपको बताना है चौथे चरण। क्योंकि जब बात अपन वहरते राजस्थान की आती है तो ये चारों रियासतें बहुत बड़ी बड़ी है और इसी के आधार पर नाम दे दिया वहरते राजस्थान। कोई स्पेशल नाम नहीं दिया, जैसे मत्स्य संघ, उस तरह कोई नाम सोचा समझा नहीं था। बड़ी रियासत ही तो नाम भी दे दिया इन्होंने वहरते राजस्थान। वहरते राजस्थान इसके अंदर कोई लोंग लपेट का नहीं था, सीधा था और उन्होंने इसका नामकरण कर दिया क्या वहरते राजस्थान। चार रियासतें आई थी, इसी का नाम इसके हुआ था। इसके बाद इसका उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन हम हर के अंदर ये उद्घाटन महाप्रमुख सब पढ़ते हैं। उद्घाटन किसने किया था? तो स्वयं पटेल आए थे। किसको, कौन सा आए थे? पटेल स्वयं आए थे और इन्होंने स्वयं ने भीम उद्घाटन किया था, ठीक है। इसीलिए ये उद्घाटन खुद आए थे, क्योंकि इस चरण से आप इससे मान लिया गया कि राजस्थान एकीकरण का कार्य, जो रियासत है उनको शामिल करना भारत के अंदर, ये कार्य पूर्ण होता है। तो स्वयं पटेल साहब खुद आगे कि इस एकीकरण का मैं उद्घाटन करूंगा। और इस समय यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या हो गई कि जब ये उदयपुर को शामिल किया गया, उस समय उदयपुर वाले को क्या बोल दिया कि तुम जब तक एकीकरण पूर्ण होगा, सातों चरण होंगी, तब तक आप ही क्या होंगे, राजप्रमुख होंगे। और उदयपुर का कौन था? भोपाल सिंह। अब उस समय वचन तो दे दिया गया, यहाँ जयपुर वाला थोड़ा सा अड़ गया कि क्या, कि बनना तो मुझे सिर्फ राज प्रमुख ही बनना है, बाकी मैं अपनी रियासत को शामिल नहीं करूंगा। तो एक पद नया सृजित कर दिया, क्या बना दिया? महाराज प्रमुख।
महाराज प्रमुख, एक नया पद बना दिया और एक था अपना कौन सा पहले वाले राज प्रमुख। अब उदयपुर जयपुर वाला क्या बोला कि मुझे बनना तो क्या बनना है, राज प्रमुख। तो जयपुर वाले को क्या बना दिया, राज प्रमुख। और किसको बनाया, स्वयंमान सिंह, स्वयंमान सिंह जी को, द्वितीय है ये मान सिंह जी। तो स्वयंमान सिंह द्वितीय को क्या बना दिया, राज प्रमुख। अब एक बात आ गई कौन सी, उदयपुर वाले। अब उदयपुर वाला होने वाला नाराज, तो ये नया पद मैंने क्या बता दिया, महाराज प्रमुख। तो उदयपुर वाला बोला आप राज प्रमुख क्यों बन रहे हो, आप महाराज प्रमुख बनो। तो ये हो गया यहाँ पर शासक, हो गए खुश, और इनको यह बना दिया भोपाल सिंह। भोपाल सिंह अपन आगे लिख दो मेवाड़, याद अवश्य रह जाएगा, क्या रह जाएगा, याद रह जाएगा, याद हो गया ना। उद्घाटन कौन करने, स्वयं पटेल साहब आए थे। महाराज प्रमुख अपने मेवाड़ के भोपाल सिंह को बना दिया, और राज प्रमुख सवाई मान सिंह। अब बात आती है उपराज प्रमुख की। तो उपराज प्रमुख मैंने आपको पहले बताया, कोटाला समय उसने क्या बोला, या तो मैं राज प्रमुख रहूंगा या उपराज प्रमुख। तो उपराज प्रमुख के वही कोटा वाला उपराज प्रमुख। यहाँ याद दिक्कत होती है कि ये सर ये भूल जाते हैं, तो मैंने इसके लिए आपको देखो सीधा सीधा एक आसान, ये आप वीडियो देखोगे तो कभी भूलोगे ही नहीं कि क्या चीज याद करनी है क्या नहीं। यार ये कहानी याद आती है सब हो जाएगा। तो भीम सिंह ये कहाँ का था, कोटा का, इसको सेम का सेम ही वहां से ला पर डाल दिया। ठीक है, अब प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री बना दिया अपने किसको, हीरा लाल शास्त्री को, शास्त्री। और राजधानी कहाँ थी, राजधानी, राजधानी अपनी बना दी जयपुर, और जयपुर वहीं से यहाँ की राजधानी। जोधपुर वाले को आप पूछ रहे क्यों नहीं बनाई, तो जोधपुर वाला आपको अभी अभी कहानी आएगी कि हनुमंत सिंह भी जोधपुर के अंदर, यानी राजस्थान भारत के अंदर सम्मिलित नहीं होना चाहते थे, वो पाकिस्तान के अंदर जाना चाहते थे। तो इसीलिए वहां पर हनुमंत सिंह से थोड़ा सा मन मुटाव हो गया, और वहां पर जोधपुर वाले को उस समय कुछ नहीं मिला था, इसीलिए नहीं मिला था, कारण यही था कि मन मुटाव होने के बाद में आपको पता है आदमी का जबरदस्ती की गई कि जोधपुर को अपने राजस्थान के अंदर मिलाने की, क्योंकि हनुमंत सिंह उस समय शासक थे, वो जाना चाहते थे पाकिस्तान के अंदर। चार रियासतें थी, आगे मैं बताऊंगा कौन कौन सी रियासतें थी जो पाकिस्तान के अंदर मिलने जाती थी, मिलना चाहते थे लेकिन वो मिल नहीं पाए। हनुमंत सिंह कहते हैं मिलना चाहते थे लेकिन हो नहीं सका, क्योंकि जोधपुर बीच में आ गया, इस साइड बीकानेर मेवाड़ ये गए थे मेवाड़ के पास ही, तो मेवाड़ वालों ने तो पहले ही बोल दिया हमारे तो पूर्वज ही है कि वो काम करके मैं वहां पर कुछ ऐसा नहीं करूंगा कि अपना सिर पूर्वजों का सिर सर से झुक जाए शर्म से, इसीलिए मैं तो सिर्फ भारत के अंदर ही सम्मिलित होना चाहूंगा। ठीक है, और बीकानेर तो आपको पता ही है पहले रियासत शामिल की थी, इसीलिए वहां पर थोड़ा सा यह प्रॉब्लम हो गई कि हनुमंत सिंह जी को वहां पर रास्ता नहीं मिला पाकिस्तान जाने का। तो वहां पर भारत के अंदर वो कहते हैं जिन्हा से बात भी कर ली गई थी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ था। वीपी मेनन और पटेल साहब की सूझबूझ से ये भारत के अंदर रियासतें शामिल हो, नहीं तो अभी वर्तमान नंबर कहाँ होते हैं, अपने पाकिस्तान में होते। जोधपुर कहाँ होता, पाकिस्तान में हो जाता, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। अभी बात आई, ये तो सिर्फ सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको मैंने याद करने के लिए रखा, इसको याद। अब क्वेश्चन यहीं से ही शुरू होता है, कहां से, ये बीकानेर को शामिल तो कर लिया, लेकिन बीकानेर ने, बीकानेर वाले ने क्या किया, मैं अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहता हूँ, नहीं तो पाकिस्तान में जाऊंगा, नहीं भारत में सिर्फ स्वतंत्र रखना चाहता हूँ। तो बीकानेर का कौन सा था, बीकानेर के शार्दुल सिंह ने, बीकानेर के कौन शासक थे, शार्दुल सिंह, बीकानेर के शार्दुल सिंह ने, शार्दुल सिंह अपनी रियासत को, स्वतंत्र रखना चाहते थे, स्वतंत्र रखना चाहते थे, लेकिन हुआ नहीं ये काम, स्वतंत्र रह नहीं पाई क्योंकि इसको शामिल कर लिया चौथे चरण के अंदर, उभरते राजस्थान के अंदर। फिर आता है बीकानेर का पीएम उस समय कौन था, बीकानेर का पीएम
जसवंत सिंह दाऊसर, वो कहते हैं मिलने गया था किसे, मेवाड़ है, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो पीएम लिख लेना, बीकानेर का इम्पोर्टेंट है, कौन था पीएम बीकानेर का पीएम, यहाँ ये क्रॉस करके लिख रहा हूँ और इसको आप थोड़ा ध्यान रखना। बीकानेर का पीएम यानी प्रधानमंत्री कौन सा मैं उस समय, जसवंत सिंह। अभी सारे प्रधानमंत्री लिखा दूंगा आपको, मेवाड़, मारवाड़ और ये बीकानेर, सब रियासतों के जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आते हैं। बीकानेर का पीएम था जसवंत सिंह दाऊसर, जसवंत सिंह कौन, दाऊसर। ये कहते हैं मेवाड़ मिलने गया था, मेवाड़ के महाराज है, लेकिन वहां पर आप इनको सफलता नहीं मिली थी। फिर आता है अपनो बीटी कृष्णाचार्य, बीटी कृष्णाचार्य कहाँ का पीएम था, तो जयपुर का पीएम था। तो यहां लगाना बीटी कृष्णाचार्य, बीटी कृष्णाचार्य, ये अपने जयपुर का पीएम था। ये ना रियासतों को, मतलब राजस्थान रियासतों को 3 इकाइयों के अंदर विभाजित करने के पक्ष में था। 3 इकाई बोला था कि जो राजस्थान के अपन जो है पूरा राजस्थान, इसको 3 इकाइयों के अंदर विभाजित कर दिया जाए। और क्वेश्चन ये आ रखा है कि किसने कहा था कि राजस्थान को 3 इकाइयों के अंदर विभाजित किया जा सक जाए, तो बीटी कृष्णाचारी जयपुर का पीएम था। तो ये लिखना जयपुर का पीएम, ये छोटा वर्ड अभी आपको पूरा लिखा दूंगा एक बार, ये लिखना। इसने क्या, इसने 3 इकाइयों, 3 इकाइयों पूरा लिखना है, इकाइयों में विभाजित करने के पक्ष में थे। ये 3 इकाइयों की विभाजित क्या है, 3 इकाइयों क्या विभाजित कर दो राजस्थान को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि जयपुर भी इसी के अंदर शामिल कर लिया गया था। अब आती है अपन को राजस्थान दिवस की बात, क्योंकि इसी के अंदर होता है राजस्थान दिवस। और यहां पर मैंने पहले ही बता दिया, तो कमेटियां बन जाएगी कि किसको कौन सा क्षेत्र दिया जाए, क्योंकि यहां पर मान लिया गया कि राजस्थान का एकीकरण पूर्ण समाप्त कर दिया गया है, भारत के अंदर जो राज्य मिलना है वो कार्य पूर्ण हो गया, अब बस सबको इकट्ठा करना है। क्योंकि देखो मत्स्य सिंह अलग बना दिया और ये वर्ष राजस्थान तक अलग कर दिया पूरे को, ठीक है। इसीलिए यहां पर बताया गया कि इनको बस एक बार, 2 चरण हो गए, मतलब 2 इकाइयों के अंदर राजस्थान को, यहां पर एक तो मत्स्य सिंह या वर्ष राजस्थान, 2 इकाई के अंदर होगी। अब इनको इकट्ठा करने का काम करना है, वो अपन करेंगे 5वें के अंदर। लेकिन यहाँ पर आपको एक बताऊंगा अभी कि राजस्थान दिवस और एक समिति कमेटी बनी थी, उसी कमेटी के आधार पर राजस्थान की राजधानी और हाईकोर्ट, शिक्षा विभाग, वन, सहकारी, ये काम पर दिए गए थे। सिंपल क्वेश्चन है, आप 1 मिनट बना रहना, अपन देखते हैं आगे की तरफ। अब अपन बात करते हैं राजस्थान का दिवस, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो इस 4थे चरण के अंदर मैंने बता दिया राजस्थान का एकीकरण पूरा मान लिया गया, और 4थे चरण की डेट क्या थी, 30 मार्च 1954, और इसी 30 मार्च को अपन राजस्थान दिवस मनाते हैं। तो यहां लिखना 30 मार्च राजस्थान दिवस। मैं हर चीज लिखूंगा क्योंकि मैं सबको साथ में लेके कोशिश करूंगा कि जिसको कुछ नहीं आ रहा, मतलब जिसको जीरो से है, उसको भी इस वीडियो देखने से एकदम कंफर्म हो जाए कि मुझे राजस्थान का एकीकरण पूर्ण आए, इस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ। फिर राजस्थान एकीकरण यहाँ पर पूर्ण तो मान लिया गया, लेकिन एक कमेटी बनाई कौन सी, सत्य नारायण राव कमेटी बनाई गई। और इसी कमेटी की सिफारिश पर अलग अलग राजधानी घोषण हाईकोर्ट ये दिया गया। तो इसी कमेटी ने सबसे पहले बताया था जयपुर को क्या बनाए, जयपुर को राजधानी बनाने की घोषित की, राजधानी घोषित की, जयपुर क्या बने, राजधानी बना दी इसी कमेटी, सत्यराय राव समिति की सिफारिश पर ही क्या बनाई, सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर जयपुर को क्या बना दी, राजधानी। फिर जोधपुर को क्या मिला, तो जोधपुर को वर्तमान के अंदर, जोधपुर के अंदर क्या है, हाई कोर्ट है सबसे बड़ा, तो हाई कोर्ट कहाँ मिल गया अपन को, जोधपुर के अंदर मिल गया। हाई कोर्ट कहाँ है, जोधपुर।
फिर आता है बीकानेर। ये देखो बड़ी बड़ी रियासत है, बीकानेर को क्या मिला? तो बीकानेर को मिल गया अपने अभी वर्तमान के अंदर शिक्षा विभाग कहाँ है? बीकानेर। तो इसी विभाग, इसी कमेटी ने तय किया गया बीकानेर को अपने शिक्षा विभाग देंगे। फिर आता है उदयपुर। उदयपुर के अंदर, उदयपुर को आपको पता है क्या है? उदयपुर के अंदर ज्यादा खाने हैं, ज्यादा से ज्यादा खनिज निकलते हैं। तो खनिज विभाग क्वेश्चन आ रखा है, खनिज विभाग कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। फिर है वन, तो वन ज्यादा कहाँ है? यहाँ हाड़ौती प्रदेश के अंदर है। तो वन और सहकारी क्वेश्चन आ सकता है, वर्तमान के अंदर सहकारी विभाग बना दिया एक केंद्र सरकार ने। तो सहकारी वन और सहकारी विभाग किसको दे दिया? कोटा को दे दिया। और कृषि विभाग इंपॉर्टेंट है, वो दिया अपने भरतपुर, भरत वो ई साइड लिख दिया, थोड़ा ध्यान रखना, ये कोटा ई साइड लिख देना आप, यहाँ हटा के यहाँ लिख देता हूँ, सब एक लाइन में हो जाएगा। कोटा, कोटा के अंदर वन है और भरतपुर के अंदर दे दिया अपने कृषि विभाग। यह सब बंटवारा किसने किया था? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर यह बंटवारा किया गया, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसने बंटवारा तो कर दिया, राजस्थान के दो एक मतलब इकाइयों के अंदर बंट गई। अब राजस्थान के अंदर क्या है कि क्यों इस मतिशी संघ को, ये अलग नाम है, इसको शामिल करो अपन, अपन किसके अंदर? इस बढ़ते राजस्थान के अंदर, मतलब एक ही राजस्थान की इकाई बना दो, पूरे राजस्थान को एक ही कर दो। तो आपको पता है चरण कौन सा आएगा? अपन चार चरण हो गए और पांचवा चरण है, इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। पांचवा चरण, पांचवें चरण के अंदर क्या है? वर्त राजस्थान को मैंने चार तक बताए, इसके अंदर क्या? संयुक्त वर्त राजस्थान, इसका नाम कर दिया वर्त राजस्थान, संयुक्त वर्त राजस्थान इसका नाम कर दिया। राजस्थान नीचे लिख लेता हूँ, चलो पूरा लिखेंगे अपन हर टॉपिक। नाम हो गया पांचवा चरण, संयुक्त वर्त राजस्थान। और ये इसकी डेट भी जरूर लिखना आप पे, 15 मई, और डेट क्या है? 1949, 15 मई 1949 इसकी डेट है। इसके अंदर क्या बात कि जो भरतपुर, अलवर भरतपुर का ये क्षेत्र है, इसके अंदर मैं आपको पहले तो ये बताता हूँ इसके अंदर क्या शामिल है। मत्स्य संघ को किसके अंदर शामिल किया गया? वर्त राजस्थान के अंदर। तो पहले तो ये लगाओ इसके अंदर काम क्या हुआ, फिर अपन इसकी कहानी पढ़ेंगे। मत्स्य संघ को वर्त राजस्थान में मिलाया गया, हो गया सही? मत्स्य संघ को इसके अंदर क्या मिलाया गया? वर्त राजस्थान के अंदर मिलाया गया। तो इंपॉर्टेंट है ये चीज, थोड़ा सा ध्यान रखना, मत्स्य संघ को, ठीक है? अब इसके अंदर कहानी बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है, क्योंकि इसी कहानी से क्वेश्चन पूछे जाती है। क्या है? जो भरतपुर है, भरतपुर के अंदर आपको पता है अलवर भरतपुर के ये क्षेत्र है, धौलपुर अलवर, ये ब्रज प्रदेश कहलाता है। क्या प्रदेश? ब्रज प्रदेश। तो भरतपुर के अंदर एक किसान सभा हुई थी, कौन सी? किसान सभा हुई थी। इस किसानों ने बोला कि जो भरतपुर और धौलपुर का क्षेत्र है, हम इसको अलग बनाने चाहते हैं, वर्ज प्रदेश के अंदर सम्मिलित करना चाहते हैं, मतलब अपना एक प्रदेश अलग होना चाहिए। कौन सा? वर्ज प्रदेश। किसने किया था? भरतपुर और धौलपुर के किसानों ने, भरतपुर और धौलपुर के किसानों ने। तो ये लिखना भरतपुर वे धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर ने अलग अस्तित्व की मांग की थी। अलग अस्तित्व का मैं राजस्थान के अंदर सम्मिलित नहीं होना चाहते, हमको एक अलग बना दिया जाए प्रांत, अलग अस्तित्व के लिए ब्रज प्रदेश, ब्रज प्रदेश, ये ब्रज प्रदेश ही कहलाता है, क्योंकि नजदीक कौन सा है? मथुरा, कृष्ण की नगरी है मथुरा, ब्रज प्रदेश की मांग की, कृष्ण की नगरी है कौन सी? मथुरा, और ये पास में है इसीलिए इसको का वर्ज प्रदेश, इस भूमि को क्या कहा जाता है? वर्ज प्रदेश कहा जाता है। और भरतपुर और धौलपुर के किसानों ने कौन से दो ही ध्यान रखना, सिर्फ भरतपुर और धौलपुर, अलवर करौली नहीं है शामिल,
सिर्फ अब भरतपुर और धौलपुर, इन दोनों ने कहा हमको अलग प्रदेश बना दिया जाए हमारा, और उस प्रदेश का नाम रख दो हमारा वज प्रदेश। क्या नाम रखना है? वज प्रदेश। लेकिन ये कार्य असफल रहा क्योंकि मना कर दिया, साफ मना कर दिया कि इसको सिर्फ अपने राजस्थान के अंदर ही सम्मिलित, कोई अलग प्रदेश नहीं बनाएंगे, कोई अलग प्रदेश नहीं बनाएंगे हम, इनको इसी साइड राजस्थान के अंदर ही सम्मिलित करेंगे। ये बात हुई पर पहले पॉइंट की। फिर बात आती है अलवर और करौली, चार है एबीसीडी वर्ड्स, मत संकेत कितने थे? चार, मैंने बताया था चार और एक ठिकाना अलवर, नीमराणा अलवर। लेकिन चारों के अंदर दो तो ने मना कर दिया, कौन सा? भरतपुर और धौलपुर। इन्होंने साफ मना कर दिया कि हमको तो ब्रज प्रदेश बनाना है, और ये कार्य असफल हुआ। फिर बात करते हैं अपन अलवर और करौली वालों ने क्या कहा, इसकी बात करते हैं। तो लिखो अपन दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है जो दो बाकी कौन बचे, एक तो अलवर, एक है अपने करौली। अलवर और करौली ये तो क्या हो गए, शासक राजस्थान में विलय के लिए सहमत हो गए। तो यहाँ के शासक, यहाँ के शासक राजस्थान में विलय के लिए सहमत हो गए। इन्होंने कहा हम राजस्थान के अंदर मिले कौन, अलवर करौली, इनको कोई दिक्कत नहीं। तो सहमत कौन नहीं हुए, सिर्फ दो ही, भरतपुर और धौलपुर। बाद के अंदर धौलपुर ने कहा हम आपकी प्रजा, हमारी प्रजा की इच्छा अनुसार, तो वो वज प्रदेश का तो कैंसिल कर दिया, तो कुछ ना कुछ तो अपनी बात रखने के लिए करना ही पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, धौलपुर वालों ने कहा हम प्रजा की इच्छा के अनुसार हम निर्णय लेंगे। तो कुछ ना जाए, प्रजा की इच्छा के अनुसार किस रियासत ने राजस्थान में विलय का प्रस्ताव पारित कराया, भरतपुर और धौलपुर। जनता की राय के लिए इन्होंने कहा हम प्रजा की इच्छा के अनुसार। तो यहां लिखना आप है, भरतपुर और धौलपुर। इसके अंदर पूछ ले सिर्फ प्रजा की एक ही रियासत दे दे आपको, तो आपको धौलपुर, सिर्फ भरतपुर तो साथ में था, ये बात किसने की थी? तो इसे धौलपुर ने कहा कि हम प्रजा की इच्छा पर सम्मिलित होना चाहते थे। फिर दोनों ने तो मना कर दिया पहले, तो इसलिए दोनों को सम्मिलित करते हैं, और प्रजा जनता, जनता की राय पर निर्णय के लिए ये सहमत हुए, निर्णय के लिए सहमत हुए। तो इसके लिए एक कमेटी बना दी, किसी जनता की इच्छा अनुसार, हम ये थोड़ा लिखना ना आप, जनता की इच्छा अनुसार इन भरतपुर और धौलपुर ने कहा हम सहमत होंगे, और एक कमेटी बना दी, कौन सी? शंकर राव, शंकर राव देव समिति। कौन सी बनी समिति? शंकर राव देव समिति बनी और गठित की गई, शंकर राव देव समिति। इसी समिति के आधार पर, इसी समिति के आधार पर रिपोर्ट तैयार की समिति ने कि जनता राजस्थान के अंदर, भरतपुर और धौलपुर की जनता राजस्थान के अंदर विलय होना चाहती है। और इस समिति, शंकर देव समिति गठित की, इसके अगर पूछ ले आपको सदस्य, कई बार सदस्य पूछ रखे हैं, तो सदस्य एक था आपके आर के सिद्धावा, ये तो आर के सिद्धावा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर रखना। शंकर राव देव समिति बनी, और इसी समिति ने सदस्य थे आर के सिद्धावा और एक है प्रभु दयाल, प्रभु की इच्छा प्रभु दयाल, ये दो थे सदस्य इस समिति के अंदर। इन्होंने कहा हम जनता से राय जानेंगे और उसके आधार पर अपने फैसला लेंगे, और फैसला लिया गया कि मत्स्य संघ को राजस्थान के अंदर विलय कर दिया जाए। ठीक है, ये अपन यहां तक होता है चरण कौन सा, पांचवा चरण। चलते हैं अपन चरण कौन सा, छठा चरण। लगाओ हेडिंग राजस्थान छठा चरण, छठा चरण, और छठा चरण का नाम दे दिया राजस्थान
संग है। और 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 राजस्थान संघ का मतलब 3 48 के अंदर आए, 2 49 के अंदर आ गए, 5 हो गया, छठा चरण आ गया 50 के अंदर। राजस्थान कितने चरण के अंदर आ? 7 चरण के अंदर छठा, अपन नजदीक आ गए हैं। अभी राजस्थान का एकीकरण कर लेते हैं अपन, पूरा एकीकरण करेंगे। राजस्थान को इकट्ठा तो करना ही पड़ेगा ना अपन को। इस चरण के अंदर सबसे पहले राजस्थान का आधिकारिक नाम दिया गया, राजस्थान यानी इस प्रदेश का नाम, आधिकारिक नाम, आधिकारिक नाम। पहले राजस्थान नाम नहीं था, देखो सबके अंदर संयुक्त वर्ज था, इस तरह था। आधिकारिक नाम मतलब कागजों के अंदर नाम राजस्थान रखा गया, कब? छठे चरण के, राजस्थान रखा, ठीक है। इसके अंदर क्या काम किया गया? इसके अंदर बहुत खतरनाक काम हो गया और यहां पर बहुत ही गड़बड़ सड़बड़ हो गई। क्या? जो आबू और देलवाड़ा क्षेत्र थे उसको कहाँ डाल दिया? बंबई प्रांत के अंदर। और जो सिरोही का क्षेत्र है, क्यों? राजस्थान के उस समय बहुत ही बड़े नेता थे, कौन? गोकुल भाई भट्ट। उन गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थल हुआ था सिरोही के हतल ग्राम के अंदर। तो लोगों ने कहा कि हम सिरोही गोकुल भाई भट्ट के बिना राजस्थान की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सरदार पटेल, और क्या किया सरदार पटेल ने, थोड़ा यहाँ पर वो भी अपना जीव ललचा गए, क्योंकि गुजरात के थे तो ये आबू पर्वत, आबू सिरोही वाला क्षेत्र गुजरात के अंदर मिलाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पता था पर्यटक के लिए बहुत ही ये आगे बहुत काम आएगा। तो उन्होंने क्या किया, ये आबू सिरोही को क्या किया, गुजरात के अंदर, बम्बई प्रांत के अंदर डालना चाहते, लेकिन लोगों ने मना कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, आबू और देलवाड़ा ये दो क्षेत्र तो बंबई के अंदर, और शह सिरोही क्या कर दिया, राजस्थान के अंदर। और उन्होंने कहा, जनता ने कहा कि सिरोही हम राजस्थान, सिरोही के बिना हम राजस्थान की कल्पना ही नहीं, इसीलिए जो हतल गांव है सिरोही वाला वो तो अपने राजस्थान के अंदर, बाकी लगा दिया अपने बंबई प्रांत के अंदर। तो यहाँ से आप लिखना आबू देलवाड़ा, अबू देलवाड़ा कहाँ डाल दिया, बंबई प्रांत में, बंबई प्रांत, आबू देलवाड़ा बंबई प्रांत वे शें सिरोही राजस्थान के अंदर डाल दिया, राजस्थान में मिलाया, राजस्थान के अंदर मिला दिया शें सिरोही को। जब इसका विरोध हुआ तो एक आयोग बना दिया, कौन सा आयोग बना? फैजल अली आयोग। तो एक आयोग बना इसका, कौन सा? फैजल अली आयोग। एक विरोध, इनका विरोध हुआ कैसी, ये हम तो पूरा सिरोही का मतलब हम आबू देलवाड़ा सहित प्रदेश हम राजस्थान के अंदर मिलाना चाहते हैं। तो एक फैजल अली आयोग बना दिया। ये फैजल अली आयोग कौन है? फैजल अली तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग बना था उसके अध्यक्ष। पूछ ले फैजल अली कौन थे आयोग, तो राज्य, तो फैजल अली आयोग, फैजल अली कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 1 नवंबर 1956, और 1 नवंबर 1956 जो रिपोर्ट दी उसी के आधार पर चरण बना दिए इन्होंने, सातवां चरण, सातवां चरण। तो ये अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो समझ में थोड़ा कम ही आएगा, इसीलिए अपन को धीरे धीरे पढ़ते हैं। एक एक पॉइंट मतलब कोई भी क्वेश्चन एकीकरण से बाहर नहीं होना चाहिए, ना ऐसा कभी आपको एक साथ मटेरियल मिलेगा। ज़रूर देखना है मेरा क्लास, आपको बहुत ही आनंद आएगा। लास्ट एक क्लास के अंदर अपन ने जो शॉर्टकट ट्रिकें भी है वो भी देख लेते हैं एकीकरण की, क्योंकि ट्रिक की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, फिर भी हो सके तो मैं आपको पूरी ट्रिक बता, 2-3 ट्रिक होगी जिसके अंदर अपने नाम है, डेट है, ये अपने याद कर लें। तो लास्ट चरण अपन रहेगा सातवां चरण नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आपके इस वीडियो के अंदर आपका कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो ज़रूर कमेंट्स करना। सनहरी क्लासेज के अंदर सब्सक्राइब जरूर करना आप,
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और भी लोगों को ये वीडियो मिल सके। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक सभी को जय श्री कृष्णा।